तो पोके फ्रेंड्स, तुम सभी लोगों को ये चीज़ तो पता ही होगी कि हमारे पोकेमॉन यूनिवर्स में बहुत सारे अनोखे पोकेमॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि लेजेंडरी के साथ मिथिकल पोकेमॉन्स। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला उन सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स की जो हमारे पोकेमॉन यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो दो टाइप के होते हैं, एक जो बहुत ही ताकतवर लेजेंडरी पोकेमॉन्स होते हैं और उसी के दूसरे साइड पे ऐसे लेजेंडरी पोकेमॉन्स जो ताकतवर के साथ इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो आज के वीडियो में इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का ये टॉपिक सिलेक्ट किया है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक का जो टॉपिक होने वाला है, यानी जो कह सकते हो वो है टॉप 5 मोस्ट पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लिस्ट की तरफ ध्यान रखना, तुम्हारा फेवरेट आ सकता है। तो अब तक अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जाके लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम लोग को मिलती रहे। और आज की वीडियो को जो लाइक है मैं वो 150 लाइक्स रखता हूँ, मुझे पता है तुम लोग कंप्लीट कर दोगे, आसान सा लाइक है मैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पोके फैंस, जो पोकेमॉन नंबर 5 पे आता है, यानी जो स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन 5 पे आता है, वो कार्लोस रीजन का एक लेजेंडरी पोकेमॉन है और वो है ज़ायगार्ड। तो यार तुम लोग को एक चीज़ खटक रही होगी कि ज़ायगार्ड क्यों, तो बताता हूँ यार क्यों। तो दोस्तों ज़ायगार्ड के बेसिकली 3 अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो पहला जो है वो है 10% फॉर्म, जो एक कुत्ते जैसा दिखता है और जो उसका 10% फॉर्म है उसके 100% में से, और ये भी बहुत ताकतवर पोकेमॉन है फॉर्म्स का। अब इसके बेस स्टैट्स की तरफ जाते हैं तो HP 54, अटैक 100, 71 डिफेंस, 61 स्पेशल डिफेंस, स्पेशल स्पीड और स्पीड 115। तो इसका तो बहुत बढ़िया है। तो दूसरा है 50% फॉर्म, जो एक सांप जैसा दिखता है और इसके जो बेस स्टैट्स की तरफ जाते हैं वो है 108 HP, 100 अटैक, 121 डिफेंस और स्पीड 95, जिसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है पर इसके अटैक डिफेंस बढ़ जाते हैं इसके शेप की वजह से। और जो लास्ट 100% फॉर्म है, जो एकदम रोबोट जैसा दिखता है, कूल सा, डैशिंग सा, अब तक का बेस्ट लेजेंडरी। तो इसका जो बेस्ट स्टैट्स है 216 HP, 100 का अटैक, 21 का डिफेंस है और 85 का स्पीड, 91 का स्पेशल अटैक एंड स्पेशल डिफेंस। तो यार इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो हमारे ज़ायगार्ड है उसे अपनी लिस्ट में नंबर 5 की पोजीशन दी है। सो ओके फ्रेंड्स, जो पोकेमॉन नंबर 4 पे आता है वो पोकेमॉन कैंट ओरिजिन का तुम लोग का फेवरेट लेजेंडरी पोकेमॉन है, वो है म्यूटू। दोस्तों म्यूटू एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। इसके जो बेस स्टैट्स है वो मैच करते हैं आरसीएस से, तो वो भी देख लेंगे। और म्यूटू बहुत ही कमाल का पोकेमॉन है, इसे तुम कह सकते हो मैन मेड पोकेमॉन, जो म्यू के DNA से बना होता है। तो इसका जो बेस स्टैट्स है वो है 720, जो आरसीएस जैसा है, ये 720 और वो आरसीएस जैसा है बेस स्टैट्स। तो यार इसके 2 अलग मेगा इवोल्यूशंस है, एक्स यानी मेगा एक्स और वाई। एक है फाइटिंग और साइकिक और एक है प्योर साइकिक, देख ही सकते हो। तो इनके बेस स्टैट्स देख लेते हैं। वाई के बेस स्टैट्स है 680 और हालांकि एक्स के बेस स्टैट्स है 780। तो यार एक्स एक फाइटिंग टाइप है तो उसके बेस स्टैट्स थोड़े से बढ़ जाते हैं और वाई के थोड़े से घट जाते हैं। तो इसी वजह से, यानी इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने म्यूटू को नंबर 4 की पोजीशन दी है। तो ओके फ्रेंड्स, जो पोकेमॉन नंबर 3 पे आता है वो तुम्हारा शिन ओरिजिन का पोकेमॉन है और ये आता है क्रिएशन ट्रियो से और ये है जिराटीना। तो यार जिराटीना का एक ही फॉर्म नहीं है, जिराटीना के एक और फॉर्म है जो है ओरिजिन फॉर्म, जो वो तभी यूज़ करता है जब वो अपने अंडर वर्ल्ड में रहता है, डार्क वर्ल्ड में। तो यार इसके जो बेस स्टैट्स और ये दोनों चीज़ें, दोनों फॉर्म्स अटैक और डिफेंस पे बेस्ड है। और अब इसके बेस स्टैट्स देखते हैं। जो ओरिजिन फॉर्म है उसके 680 बेस स्टैट्स है ओवरऑल, बट इसका जो दूसरा फॉर्म है रेगुलर फॉर्म उसके बेस स्टैट्स बहुत ज़्यादा है, 820 के बेस स्टैट्स है। तो यार इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इसके डिस्ट्रक्टिव पावर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने और इस मन को हमारी लिस्ट में नंबर 3 की पोजीशन दी है। तो ओके फ्रेंड्स, जो पोकेमॉन अगले नंबर पे आता है यानी नंबर 2 पे, तो यार ये एक नहीं पोकेमॉन है इस लिस्ट पे, मतलब इस पोजीशन पे ये एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग पोकेमॉन्स है। तो यार तुम लोग ने अब तक आई थिंक सो गेस कर लिया होगा, तो तुम्हारा गेस राइट है, वो है प्राइमल ग्रोडॉन और प्राइमल कायोगर। तो यार ये दोनों डिस्ट्रक्टिव पोकेमॉन्स हैं और इनके फॉर्म्स भी बता देता हूँ। प्राइमल ग्रोडॉन जहाँ पे भी चलता है वहाँ पे लैंड को एक्सपैंड करता है और प्राइमल कायोगर जिधर से भी स्विम करता है उधर वाटर लैंड एक्सपैंड करते जाता है। जी हाँ गाइस, तो अगर तुमने एक्स एंड वाई का देखा होगा सीरीज तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि प्राइमल ग्रोडन और कायोगर में कितनी पावर है। और अगर ये लिस्ट में नहीं होते तो यार कसम से गालियाँ तो पड़ती थी, वो अलग से। बट ये मेरे फेवरेट्स लेजेंडरीज में से है, एक है, तो यार इन्हें इस लिस्ट में तो होना चाहिए ही। तो इनके नॉर्मल फॉर्म से इतने ताकतवर होते हैं, तो यार इनके प्राइमल फॉर्म्स तो और ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो यार अभी इनके बेस स्टैट्स पे जाते हैं। तो बेस स्टैट्स हैं इनके, तो दोनों के बेस स्टैट्स यानी प्राइमल ग्राउंडन एंड प्राइमल कायोगर के दोनों के बेस स्टैट्स 770 आते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग की बात है। ओके, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों को नंबर 2 पर रखा है। तो अगला पोकेमॉन जो नंबर 1 पे है, आई थिंक सो तुमने गेस कर ही लिया होगा वो कौन सा होगा, सॉरी यार, तो वो है रेक्वेज़ा। तो यार रेक्वेज़ा को इस लिस्ट में तो होना ही चाहिए था, क्योंकि यार वो अब तक का सबसे पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन मेरे इसमें का है। और तुम लोग ये भी कह सकते हो मेगा रेक्वेज़ा, जो उसका मेगा इवोल्यूशन फॉर्म है और जो उसे मिलता है ड्रैगन एसेंट इस्तेमाल करके। अगर तुमने मेरी वो थियरी वाली वीडियो नहीं देखी तो उधर में फ्लैश हो जाएगी, तो उधर से जाके देख लेना। तो यार रेक्वेज़ा मेरा भी फेवरेट पोकेमॉन है और ये गार्डियन है पोकेमॉन। तो इसके जो बेस स्टैट्स होते हैं वो 780 है, दोनों प्राइमल ग्राउंडन और कायोगर से ज़्यादा है। और इसे सेवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी प्राइमल ग्राउंडन कायोगर झगड़ा कर देते हैं तो यही सबको बचाता है, तो इसी वजह से इसको नंबर 1 पर रखा है। तो ओके फ्रेंड्स, अगर तुम लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी आके सब्सक्राइब कर दो। और आज का वीडियो अगर पसंद आया तो अपने पोके बडीज़ के साथ शेयर करना। और आज का जो लाइक एम रखते हैं वो लगते हैं 200 लाइक्स का। मुझे पता है तुम लोग का प्यार और सपोर्ट की वजह से ये 200 लाइक्स कुछ ही नहीं है, तुम लोग ऐसे यू कंप्लीट कर दोगे एक दिन में, तो मुझे पता है। और मैं अभी ऐसे अपलोड्स करने वाला हूँ कि एक थियोरी और एक गेम प्ले, तो मज़ा आने वाला है। आगे के वीडियोस कंटिन्यू करो यार, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।